वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। सैजिटेरियस ये आपकी मई की और अप्रैल की बोनस जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कमिंग मंथ्स में, कमिंग डेज में आपकी लाइफ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्रेडिक्शन आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है, जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंसेस, करियर, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं। और मैंने इंटेंशन रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैजिटेरियस को इस रीडिंग से वैल्यू मिल सके और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिल सके, यू नो। तो इसीलिए क्योंकि मैं पूरे कलेक्टिव की एनर्जी को टैप इन कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक मैसेज से रिलेट करें। आपको जो आपके लिए प्रेडिक्शंस होंगी, जो आपके लिए मैसेजेस होंगे, वो आपको समझ में आ जाएंगे, तो उतने ही मैसेजेस खुद पे ले जितना आपको आपके लिए ट्रू लग रहा है, ओके। उसके बाद प्रेडिक्शंस देखने के बाद हम आपकी गाइडेंस के पार्ट पे आएंगे सैजिटेरियस, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और चलिए देखते हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि क्या सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। सबसे पहले है एम्प्रेस और फाइव ऑफ पेंटिकल। ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ की किसी जर्नी पे हैं, लाइफ की ऐसी जर्नी जहाँ पे कोई चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो हो रही है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में बेटर हो रही है, यू नो, बिकॉज द एम्प्रेस बताती है कि आप ऐसे पाथ पे हैं जो पाथ आपके लिए आगे जाके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। ये आपका पोटेंशियल है और ये आपके फ्यूचर का, यू नो, ये फ्यूचर की आपकी सक्सेस है जिस रास्ते पे आप ऑलरेडी चल रहे हो। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे एम्प्रेस है और एम्प्रेस साइन होता है फर्टिलिटी का या फिर पोटेंशियल का। तो जैसे कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो इट टेक्स सम टाइम टू गिव बर्थ, यू नो, 9 महीने की पूरी प्रोसेस होती है। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ग्रो हो रहा है, यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू, कुछ नया आप कर रहे हैं, या फिर कुछ हो सकता है कि पुराना हो बट धीरे धीरे करके उस चीज़ में आपको ग्रोथ मिलेगी। ये अश्योरेंस है कि अभी लाइफ में सक्सेस नहीं आई है किसी एस्पेक्ट में, बट आएगी, बहुत ही जल्दी आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा और थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, बट ये जो भी सक्सेस या अबंडेंस है, दिस बिलोंग टू यू सैजिटेरियस। ये सक्सेस आपको बिलोंग करती है, आपको मिलके रहेगी अगर आप ऑलरेडी इस पाथ पे हैं तो। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, इस चीज़ को फ्लरिश होने में। तो यस और ये दिस इज़ समथिंग जो आप ऑलरेडी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऑलरेडी आप इस पाथ पे चल रहे हो, या फिर अगर आप नहीं चल रहे हो तो ये कोई ऐसा पाथ हो सकता है जो आपको अप्रैल में या फिर मई में मिले। बट एक कैच है इन सब चीज़ों में, कैच ये है कि जो भी चीज़ ये है जो आपको मिलने वाली है, जब आप इस रास्ते पे चल रहे हो, इस चीज़ तक पहुंच रहे हो, तो आपको रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है या फिर आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। तो बात यही है कि एनर्जी अच्छी है, राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ये चीज़ आगे जाके आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और अबंडेंस भी लाएगी, बट ये जो जर्नी है उस लेवल तक पहुंचने की, यू नो, उस सक्सेस तक पहुंचने की, वो थोड़ी आपको हार्ड लग सकती है या फिर आपको अकेलापन इस रास्ते पे महसूस हो सकता है। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहिए। अगर थोड़ी हार्डशिप भी आ रही है किसी चीज़ को करने में तो इट्स ओके, आप ये सोचो अपनी, यू नो, कीप योर आइज़ ऑन द प्राइज, अपनी नज़रों को प्राइस पे रखो या सक्सेस पे रखो। और अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले इस चीज़ को कर रहे हो तो इट्स ओके, अल्टीमेटली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगी। तो इट्स ओके अगर आपको अकेला चलना पड़ रहा है, आपके गार्जियन एंजल्स और यूनिवर्स, आई कैन अश्योर यू, हमेशा आपके साथ हैं, बट स्टिल आपको, हमें वो फीलिंग, बींग ह्यूमन, हमें वो फीलिंग आती है कि हम अकेले हैं इस रास्ते पे। तो बेसिकली अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या है, जिससे सबको समझ में आ जाए। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आपको कुछ वेट लूज करना है, ओके, तो अब आप उस जर्नी पे हो, वेट लूज करने की जर्नी पे हो, आप हर दिन वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने कैलोरी इनटेक्स पे फोकस कर रहे हो या योगा कर रहे हो या वॉक कर रहे हो, आप जो भी कर सकते हो उसके लिए।
बट उस वेट लॉस के ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने में वक्त लगेगा, ओके okay? बट आपको अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है. और ये जो वेट लॉस की प्रोसेस है आपको मुश्किल भी लग सकती है. आपको ये भी लग सकता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेला फील हो रहा है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही है और कोई सपोर्ट मुझे नहीं कर रहा. तो इट्स ओके, कीप योर आइज़ ऑन द प्राइज़. मतलब आप वेट लॉस के बाद में कितना हेल्दी फील करेंगे और यू नो कितना बेटर फील करेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखेगा, तो कीप योर आइज़ ऑन द प्राइज़. इवन दो रास्ते में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है उस रास्ते पर चलना, बट इट्स ओके. ओके, उसके बाद में यहाँ पे है हैंगमैन और यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स है. ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ डिसीज़न लेना है आपको और क्योंकि आप वो डिसीज़न नहीं ले रहे हो, ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं कम्प्लीटली. तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपको कुछ डिसीज़न लेना है बट क्योंकि आप वो डिसीज़न नहीं ले रहे हो तो लाइफ आपकी अटकी हुई है सेम जगह पे. ओके, तो हैंगमैन बताता है कि हम एक जगह पे स्टक हैं और ये स्टकनेस बहुत ही अनकंफर्टेबल है. इस जगह पे हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, हमें ठीक फील नहीं हो रहा है, बट क्योंकि हम इस जगह से निकलने का या तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या फिर निकल के किस डायरेक्शन में जाएं उसका डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस है, इसीलिए हम लंबे समय से लाइफ में स्टक ही हैं सेम जगह पे क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. तो एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हो, आपको लाइफ में लाइफ के किसी एस्पेक्ट में ऐसा फील हो सकता है कि आप फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, और एक ऐसा इल्यूजन भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कमिंग डेज में जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि मेरी लाइफ स्टक हो गई है, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं है. तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं है, क्या आपको कोई डिसीज़न लेना है जो आपने नहीं लिया है, क्या कोई रास्ता आपको चूज़ करना है आपने चूज़ नहीं किया है, क्या कुछ एफर्ट लगाने हैं आपको इस स्टकनेस से निकलने के लिए. तो आपकी इनडिसाइसिवनेस, डिसीज़न ना ले पाने के कारण आप अगले कुछ दिनों में और महीनों में स्टक फील कर सकते हो और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग है. अब ये आपकी प्रिडिक्शन आई है कि आप अनकंफर्टेबल फील करोगे क्योंकि लाइफ स्टक है. अब हम प्रिडिक्शन देखते हैं, क्यों देखते हैं, जिससे कि हमको एक हेड्सअप मिल सके और हम उस चीज़ को सुधार सकें अगर हमें कुछ गलत होते हुए दिख रहा है. तो जैसे आप प्रिडिक्शन देखते हो उसके कोर्स ऑफ एक्शंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हो, मतलब कि कोई डिसीज़न आपको लेना है और आप डिसीज़न नहीं ले रहे हो इसीलिए आप स्टक हो, तो आपको ये इल्यूजन हो सकता है कि मैं फंस गई हूँ, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है. बट आपको ये देखना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव उल्टे लटके हुए हैं आप, अपना पर्सपेक्टिव सीधा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या कुछ ऐसा है जो मुझे करना है इस स्टकनेस से निकलने के लिए, क्या कोई ऐसा एक्शन है जो मुझे लेना है, क्या कोई ऐसा डिसीज़न है जो मुझे लेना है इस स्टकनेस से निकलने के लिए. तो ये बात आप खुद से पूछिए तो आप के लिए ना इस स्टकनेस से निकलने का बहुत ही आसानी से आप निकल पाएंगे एक बार डिसाइड कर लेंगे अपने दिमाग में. तो उसके बाद में यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और जजमेंट है. नाइस, किंग ऑफ पेंटिकल और जजमेंट राइट अवे हमें दो चीज़ें बताता है. सबसे पहली चीज़ कि आपको करियर में आपके करियर की जो स्टेबिलिटी है उसमें कोई चांस मिलेगा उसको इम्प्रूव करने का, उसको ठीक करने का. मतलब कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल हमारे पैसों से रिलेटेड अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे करियर की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. किंग ऑफ पेंटिकल मतलब कि ये पैसों से अबंडेंट है, इसको अपने बिल्स पे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है और करियर में अच्छा कर रहा है. अब इसके साथ में जजमेंट का कार्ड आया है जो कि हमें बता रहा है कि अगर आप पैसों को लेके स्टेबल नहीं थे, अपने करियर में स्टेबल नहीं थे, तो बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे कमिंग डेज में, मंथ्स में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जिससे कि आप अपने पैसों की स्टेबिलिटी को सुधार सकते हैं. जजमेंट बेसिकली ये बताता है कि किसी लंबे समय से किसी चीज़ में हम फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं या फिर फेलियर्स हमें मिले हैं. जजमेंट का मेन कीवर्ड फेलियर होता है. तो पास्ट में करियर में फेलियर मिले, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाई, तो अभी चांस मिलेगा उसको सुधारने का और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उस पर्टिकुलर लाइफ के एरिया को सुधारने की. अब यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स के एक और मीनिंग है. आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है,
कोई कन्या राशि, वृषभ राशि या फिर मकर राशि, ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई सेकेंड चांस लेके आ सकता है। मतलब कि ये पर्सन आपको शायद से कोई जॉब दिलवा सकता है, आपको करियर में हेल्प कर सकता है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कोई कुछ इस पर्सन से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है जो कि पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन है तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें उससे रिलेटेड हो सकती हैं। उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स, ये आप हैं। ओके, थोड़ा सा बर्डन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम के कारण फील कर पाएंगे करेंगे। बर्डन है थोड़ा सा, टेंशन है थोड़ी सी, और बर्डन क्या है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप फेस करने वाले हैं। बेसिकली ये बर्डन है कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ का। बेसिकली ये टेन ऑफ वांड्स तब आता है जब आप बहुत सारा काम है लाइफ में, बहुत सारा काम है, ऑफिस में बहुत काम है, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है तो उसको सोच सोच के टेंशन हो रही है, या फिर फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो टेंशन हो रही है, और प्रेशर लाइफ में बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का प्रेशर लाइफ में बहुत ज़्यादा है, किसी काम को सक्सेसफुल करने का, करियर में सक्सेसफुल होने का, किसी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने का, तो थोड़ा सा प्रेशर आप लाइफ का महसूस करेंगे। और ये लाइफ का प्रेशर आप महसूस करेंगे, आप थोड़ा सा बर्नआउट फील कर सकते हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि ये बहुत ही ज़्यादा टू मच हो गया है लाइफ, मुझसे हैंडल नहीं हो रही है लाइफ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा है कि आपको, क्योंकि आप बहुत 10 ऑफ वांड्स है, 10 वांड्स का प्रेशर लेके घूम रहे हो आप। अब ये जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइफ में बिल्ट हो जाता है तो हमें ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि क्या अननेसेसरी बैगेज हम लेके अपने ऊपर चल रहे हैं। ओके, जैसे कि चलो आपको मेहनत बहुत करनी है अपने, अब भी मैं आपको फिर से एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर आप प्रेडिक्शन के वे में जानना चाहते हैं तो आप प्रेशर, बोझ और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन महसूस कर सकते हैं कमिंग डेज में। अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि कई बार अब 10 वान से 10 वान, 10 लकड़ियाँ आपने समझ लो अपने हाथ में पकड़ी है, और उन 10 लकड़ियों को पकड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो इतना ज़्यादा बोझ लेके, प्रेशर लेके। तो अभी जैसे 10 वान से यहाँ पे, ठीक है, एक वान हो सकता है कि आपको करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, दूसरा वान हो सकता है कि आपको फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा वान हो सकता है कि फ्यूचर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अब तो सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा करियर में, अब तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो कई बार ये 10 वान में से हो सकता है कि 7 या 8 वान्स हम अननेसेसरी लेके चल रहे हैं, जिसको लेके चलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1-2 जेन्युइन चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिसका बोझ आप ले रहे हो, बट बाकी सब चीज़ें फालतू हो सकती हैं। जैसे कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेके चल रहे हो, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये बोझ बहुत ही अननेसेसरी है, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको आज क्या करना है, आज क्या मेहनत करनी है, उस पर फोकस करना चाहिए। बट कॉन्स्टेंटली अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो वो एक अननेसेसरी वान है जो आप अपने साथ बोझ को लेके चल रहे हो। अगर पास्ट में कुछ हुआ है और बार बार पास्ट याद आ रहा है तो वो एक अननेसेसरी बोझ है जो आप अपने साथ लेके चल रहे हो। अगर लोग आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आपकी फैमिली आप पे प्रेशर डाल रही है, तो आप प्रेशर ले क्यों रहे हो, उसको इग्नोर करिए, क्योंकि आप उनका प्रेशर लेके कुछ नहीं लाइफ में कर पाएंगे। अल्टीमेटली आप सही जगह पे जब फोकस करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, रैदर देन कि आप दुनिया का बोझ अपने कंधों पे लेके चलें। तो ये जो अननेसेसरी बोझ आपके कंधों पे हैं, अननेसेसरी को कम करिए और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कैरी करके चलो। अगर ये इंसान 10-10 लकड़ियाँ अपने सर पे उठा के पहाड़ चढ़ेगा तो नहीं चढ़ पाएगा, इसको अपना बैगेज, जो अननेसेसरी बैगेज है, उसको हटाना ही पड़ेगा।
और थोड़ा अपनी लाइफ को इस बोझ को हल्का करना पड़ेगा जिससे कि ये पहाड़ को चढ़ पाए। ऐसे ही आपको डिसाइड करना है कि क्या मेरी लाइफ में मैं अननेसेसरी चीज़ें लेके चल रही हूँ, अननेसेसरी बोझ लेके चल रही हूँ, लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या बोल रहे हैं, या फिर फ्यूचर का क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, इतने सारे बोझ लेके आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, या फिर आपकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट हो, तो भी आपको इस बोझ को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बोझ को लेके आप नहीं झेल पाएंगे इतना बोझ। तो बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन इज कि थोड़ा सा बोझ को हल्का करें अपने, ओके? क्योंकि जब भी हमें थोड़े से नेगेटिव कार्ड दिखते हैं तो हमें उसकी गाइडेंस लेना भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको अगर कुछ बता दूं कि आप बोझ ले रहे हो फ्यूचर में, पर आप फिर क्या करोगे, आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, राइट? इसीलिए तो कई बार जो प्रेडिक्शन वाला पार्ट है वो गाइडेंस में चेंज हो जाता है। बट वी डू हैव 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार, यहाँ पे फैमिली और रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग आते हुए दिख रही है। इफ़ यू आर समवन स्पेशली के फैमिली में बहुत ही ज़्यादा कियोस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ कियोस चल रहा है, मेरी पार्टनरशिप में, मेरी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी अगले कुछ दिनों में आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, अप्रैल और मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा हार्मनी आप फैमिली में और रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पे यस, थोड़ा सा टफ टाइम आप देख रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, बट ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून लाएगी। ये चीज़ आपका किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कनेक्शन हो सकता है, आपकी फैमिली का या तो सपोर्ट हो सकता है, या तो तीन चार लोग आपके फैमिली के मिलके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई एक पर्सन आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से आपको सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा धूप में आप ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ही मुश्किल हो रही है, और वहाँ पे आपको किसी पेड़ की छांव मिल जाती है और मटके का ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है, ये वो वाला सुकून है। तो कोई कनेक्शन या फैमिली का सपोर्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून लेके आएगा, और हीलिंग भी दिख रही है यहाँ पे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं तो हील भी होंगी प्रॉब्लम, बिकॉज़ यहाँ पे स्टार है। अभी कुछ लोगों के लिए ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करें, और आपकी बिकॉज द स्टार कई बार फेमस होना, नाम कमाना भी होता है, तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव इन दोनों कार्ड्स का ये है कि देयर इज़ अ चांस कि आप कुछ लाइफ में ऐसा अचीव करें कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, शहर, इंटरनेट, कहीं पे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करें आपके काम के लिए, तो एक ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बेसिकली ये दोनों कार्ड से बताते हैं कि आप किसी टेम्प्रेरी या अनस्टेबल होता है आई गेस, आप किसी अनस्टेबल जगह से निकल के स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ओके? तो अब इसका एग्जांपल क्या है, बहुत टाइम से जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं आप सबके लिए ऐसा ही हो रहा हो, बट एग्जांपल मैं इसीलिए देती हूँ कि आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, आपके कार्ड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं वो समझ में आ सके। तो आपके कार्ड्स ये बताना चाहते हैं कि फॉर से कि पिछले बहुत ही महीनों से करियर में इनस्टेबिलिटी थी, कि एक जॉब कर रहे थे, फिर उस जॉब को छोड़ रहे थे, वहाँ भी बात नहीं बन रही है, यहाँ भी बात नहीं बन रही है, यहाँ वहाँ ट्राई कर रहे हैं, यहाँ ट्राई कर रहे हैं, पैसे आ तो रहे हैं पर पैसों की स्टेबिलिटी नहीं है, कभी पैसे आते हैं, कभी पैसे नहीं आते हैं। तो ये इनस्टेबिलिटी है कि कुछ चीज़ हो तो रही है पर उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अभी आप नाइट ऑफ पेंटिकल की तरफ जा रहे हो, नाइट ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि आप उस तरफ लाइफ में जा रहे हो जहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, किसी चीज़ की स्टेबिलिटी आएगी। जैसे कि अब आपने कोई ऐसी जॉब पकड़ ली जिससे आपको रेगुलर इनकम आ रही है, आपका बिजनेस या तो फ्लरिश कर रहा है, पहले बिजनेस में कम कम पैसे आ रहे थे बट अब बिजनेस आपका स्टेबल हो रहा है और रेगुलर पैसे आने शुरू हो गए हैं, और ये एक डेलिब्रेट चॉइस भी लाइफ में हो सकती है कि पहले हम अपना बहुत सारा टाइम किसी ऐसी चीज़ में लगा रहे थे जो कि
स्टेबल नहीं थी, बट अभी हमने डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ पे फोकस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि अब मैं थोड़ी स्टेबल जगह पे जाऊँगी। ओके, तो धीरे धीरे करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल था और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल था, तो यस, आप कुछ बहुत ही स्टेबिलिटी की तरफ लाइफ में जाते हुए दिख रहे हैं। और ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आप किसी एनर्जी से निकल रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो बेसिकली एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ये कनेक्शंस भी हो सकते हैं कि ओके, मेरे कोई अच्छे फ्रेंड नहीं थे, मेरे कोई स्टेबल फ्रेंड नहीं थे, कभी मुझे एक स्टेबल फ्रेंड सर्कल नहीं मिला, तो अब शायद आप ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करो जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल हैं आपके साथ में, तो एक ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। वट एल्स वी हैव, वी हैव जस्टिस एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जस्टिस है और फाइव ऑफ सॉर्ड्स है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग हैं। ओके, थोड़ी सी फाइट है, जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे थोड़ा सा फाइट है, और ये फाइट आपके ऑफिस में आपने हो सकता है कि एक्सपीरियंस की हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में आपने एक्सपीरियंस किया हो। बेसिकली ये दोनों कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि आपको जस्टिस के लिए अपनी फाइट करना पड़ेगा। थोड़ा सा फाइट है यहाँ पे लाइफ में, जस्टिस के लिए फाइट करना पड़ेगा। जैसे कि इसका अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपको जस्टिस के लिए फाइट करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल ये है कि फॉर से कि अभी मैं एग्जैक्टली एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझना है कि आपकी लाइफ पे ये कैसे फिट बैठ रहा है। फॉर से आप किसी ऑफिस में जॉब करते थे बहुत ही टाइम से, और उस जॉब में आपने बहुत मेहनत की थी, बहुत ही मेहनत की थी। अब टाइम आया है प्रमोशन का, तो आपको प्रमोशन नहीं मिला, किसी और को प्रमोशन मिल गया, और अब आप फाइट कर रहे हो उस चीज़ के लिए कि नहीं, ये प्रमोशन तो मैं डिज़र्व करती हूँ बिकॉज़ मैंने ज़्यादा काम किया है, मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही है, या फिर ये बोनस मैं डिज़र्व करती हूँ। तो हो सकता है उस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी फ़ाइट करनी पड़े, जो चीज़ एक्चुअली सही मायने में आपको मिलनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हो, उसके लिए थोड़ी सी फ़ाइट करनी पड़े। अभी ये चीज़ फैमिली में भी हो सकती है कि आपको आपका कोई ड्रीम है जो आप ड्रीम पूरा अपना करना चाहते हो, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी में कोचिंग क्लासेस में, बट आपके पेरेंट्स आपको अलाव नहीं कर रहे हो और आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, तो आपको अपने हक के लिए या राइट के लिए या फिर जो चीज़ आप डिजर्व करते हो सकता है उसके लिए थोड़ी सी फाइट करनी पड़े। ओके, एंड इट्स ओके अगर आपको करनी भी पड़ रही है, तो ऑलवेज फाइट फॉर योर राइट्स, राइट। वॉट एल्स वी हैव, वी हैव नाइन ऑफ वांड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओ माई गॉड, आप किसी कनेक्शन से भाग रहे थे बहुत टाइम से, किसी फ्रेंडशिप से आप काफ़ी टाइम से भाग रहे थे, किसी फ्रेंडशिप में शायद से, किसी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में शायद से कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ हो, कुछ थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा बैड ब्लड हुआ हो आपके और किसी फ्रेंड के बीच में, और फिर आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दी, या फिर आपने इस पर्सन को थोड़ा सा अपने से दूर कर दिया जस्ट बिकॉज कि कुछ ना कुछ बात हुई थी आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे आप कमिंग मंथ्स में उस फ्रेंड के साथ में वापस से हारमोनियस कनेक्शन में दिख रहे हैं, और वापस से आप मिलते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन से, बातें करते हुए दिख रहे हैं, तो यस, अगेन हमें हारमोनी यहाँ पे कनेक्शंस में दिख रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आपने खुद ने ही दूर कर दिया था बिकॉज कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुआ था, राइट। उसके बाद में यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है और एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स कोई न्यू बिगनिंग बताता है, न्यू बिगनिंग्स, इमोशनल न्यू बिगनिंग, किसी ऐसी चीज़ की न्यू बिगनिंग जिससे आपको इमोशनली बहुत अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा लगे आपको, मतलब कि ये जैसे कोई ऐसी, किसी ऐसी जगह पे एडमिशन हो जाना जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत मिन्नतें की थी, या फिर बहुत सालों बाद किसी रिलेशनशिप में आ जाना, बहुत सालों बाद कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाना, तो ये 100% इमोशनल सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है एस ऑफ कप्स। और एस ऑफ कप्स के साइड में द हाई प्रीस्टेस है,
हाई प्रीस्टेस मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशनल न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, बट अभी ये चीज़ आपकी लाइफ में मिस्ट्री है। तो ये चीज़ आएगी आपकी लाइफ में, बट कब आएगी, कैसे आएगी, ये थोड़ी सी मिस्ट्री है। बट बहुत ही कुछ अमेजिंग सा यहाँ पे लाइफ में शुरू होगा, बट कब शुरू होगा ये एक मिस्ट्री है। आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, बस यूनिवर्स को पता है। तो ये उन लोगों के लिए साइन है जो किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप यूनिवर्स से कॉन्स्टेंटली पूछ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ यू ट्राइंग टू फाइंड आउट। ये आपकी एनर्जी कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, यू नो, आप कोशिश कर रहे हो समझने की कि जो मैं चीज़ चाहती हूँ, जो मैं न्यू बिगनिंग्स चाहता हूँ, जो मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप जो चीज़ चाहते हो वो मिलेगी, बट आपको ये जानने को नहीं मिलेगा कि ये चीज़ कैसे होगी और कब होगी। ओके, तो इस चीज़ के आसपास मिस्ट्री है। उसके बाद में द लवर्स हैं यहाँ पे, और स्ट्रेंथ है। बेसिकली द लवर्स यहाँ पे आपके कमिटमेंट और स्ट्रेंथ के लिए आया है। आप अगेन, कमिटमेंट क्या होता है कि आपने किसी चीज़ से कमिट कर दिया कि ये चीज़ तो मैं करके रहूँगी, या फिर ये चीज़ तो मैं करके रहूँगा, और मुझे लाइफ में ये तो हासिल करना ही है, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कितने भी इश्यूज़ आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, मुझे तो करना ही है। ये कमिटमेंट है आपका आपकी लाइफ के किसी चीज़ से, और कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। तो जो चीज़ आप पाना चाहते हो, चाहे कोई करियर का गोल हो, पर्सनल लाइफ का गोल हो, स्पिरिचुअल गोल हो, पर्सनल इम्प्रूवमेंट का गोल हो, आप कोई गोल बना रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं उससे कि आप करके ही रहेंगे, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है सैजिटेरियस। मुझे इतना इनोसेंट सा स्टबननेस दिख रहा है इस टाइम पे कि आप कमिंग डेज में डिसाइड करो ये तो मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी हद तक आपके हाथ में भी है, बट यस, इस चीज़ को करने में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आई थिंक आप रेडी हैं अप्स एंड डाउन्स के लिए कि नहीं, इस बार तो मुझे करना ही है चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए। ओके, अभी हम आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे हम यूनिवर्स की गाइडेंस और यूनिवर्स की प्रिडिक्शन और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है सैजिटेरियस, वो हम देखेंगे। ओके, ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए। ओके, पहला कार्ड है ईगल। ओके, तो यहाँ पे ईगल का कार्ड एक्चुअली आपको फोकस्ड रहने के लिए बता रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जैसे ही आपको लाइफ में क्लैरिटी मिले कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे ही आपको आपकी लाइफ की प्रायोरिटी समझ में आ जाए, वैसे ही पूरे फोकस्ड होके अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ और क्लैरिटी के साथ उस चीज़ को करने में लग जाइए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बिकॉज ईगल की एनर्जी, ईगल का जो पूरा फोकस है वो एक ही जगह पे रहता है, उसको उसको कहाँ पे क्या, उसका जो टारगेट है उसी पे, सिर्फ उसी पे फोकस रहता है, आगे पीछे फोकस नहीं जाता है। पूरी क्लैरिटी होती है ईगल को कि ओके, मुझे इसको, ये मेरा टारगेट है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ईगल उस तरफ जाती है, और क्लैरिटी के साथ में। तो स्ट्रेंथ भी एक कीवर्ड है यहाँ पे, कि हिम्मत, खुद पे भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया था। तो आप ऑलरेडी इस पाथ पे हो यूनिवर्स, आपको बस अपना फोकस उस चीज़ पे, आप ना उस चीज़ से आप ना हटाएं, इस चीज़ के लिए सजेशन दे रहे हैं। तो इफ़ यू आर समवन जिसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है और पूरे स्ट्रेंथ के साथ इस चीज़ को पाने की कोशिश करना है। आपको विश, ओके, यहाँ पे विश का कार्ड है।
योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू. तो कोई यूनिवर्स इज सेइंग कोई आपकी विश है जो फॉर श्योर पूरी होगी सजिटेरियस, और आई थिंक आप रेडी हैं इस विश को रिसीव करने के लिए. तो कोई बड़ी या छोटी विश आपकी पूरी हो सकती है कमिंग मंथ्स में और डेज में. कुछ चीज़ आप रेडी हैं, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आप रेडी हैं इस विश को रिसीव करने के लिए, तो बहुत ही जल्दी ये चीज़ आपको मिलेगी. उसके बाद है क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स. तो यहाँ पे मैसेज यूनिवर्स का ये है कि ऑलरेडी आपके आसपास काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको सराउंड कर रही है. आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप काफ़ी सारी पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, इवन दो हो सकता है कि लाइफ में चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं चल रही हों, बट स्टिल आप महसूस करेंगे पॉजिटिविटी. यू नो, ये वैसी एक फीलिंग होती है कि हमें पता है कि कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, बट यूनिवर्स ने हमें हिंट्स देना शुरू कर दिया है कि अब लाइफ में कुछ बहुत ही अमेजिंग सा होने वाला है. तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि जब विश पूरी होती है उसके पहले की जो पॉजिटिव एनर्जीज हमें फील होती है, उस पॉजिटिव एनर्जी को आप फील कर पाएंगे कमिंग डेज में, और लव जॉय और गुड फॉर्च्यून आपका इंतज़ार कर रहा है. तो जब लाइफ में आप उस लेवल पे आ जाओगे, आप पॉजिटिव फील करने लगो, लाइफ बहुत ही अच्छी लगने लगे, लाइफ सुंदर लगने लगे, आपको खुद से प्यार हो जाए, अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाए, तो उस टाइम पे समझ लीजिएगा कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, जो कि आपकी लव लाइफ से, आपकी हैप्पीनेस से, या फिर आपके पैसों के अबंडेंस से रिलेटेड हो सकती है. उसके बाद है स्नेक कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्नेक कार्ड ये बताता है कि बहुत टाइम से आपकी सोल ने किसी हीलिंग को इनिशिएट किया था. तो पिछला जो कुछ भी हुआ था, आपकी सोल बहुत टाइम से हील कर रही थी, यूनिवर्स ने ये हीलिंग्स को आपके लिए इनिशिएट किया था. अब जैसे जैसे आप हील कर रहे हैं, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जा रही है कि आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. आपका और यूनिवर्स का कम्युनिकेशन आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. जैसे जैसे आप हील करेंगे, जैसे जैसे आपकी पॉजिटिविटी वापस आएगी, वैसे वैसे आपका कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. हर जगह पे आपको साइंस दिखेंगे, हर जगह पे आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, कभी कोई कोटेशन आप पढ़ लेंगे, कभी कोई टैरो रीडिंग आप देख लेंगे. आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि सजिटेरियस मल्टीपल जगह से आपको साइंस मिलेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी मच divinely connected with God. चाहे आपकी God की definition कुछ भी हो, चाहे आप उन्हें universe बोलते हो या जो भी बोलते हो, if you are someone जिनकी life में universe important है, आपकी spirituality important है, तो यहाँ पे आपकी life में हर एक step पे, हर एक छोटी बड़ी चीज़ में universe आपको guide करेंगे. But at the same time यहाँ पे universe आपको ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज़ यहाँ पे अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि लोग आपको मिसलीड कर सकते हैं. तो अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है तो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे लें, ना कि आसपास के आपके लोग क्या बोल रहे हैं उसके बेसिस पे. ओके, अ जर्नी इज़ इंडिकेटेड ईदर फिज़िकली और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर फुल. तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्चुअली ट्रैवल करें, आप कहीं पे घूमने जाएं, ट्रैवल करें, अपने शहर को बदलें, ऐसा कुछ हो सकता है. तो या तो कोई सच में कोई फिज़िकल जर्नी हो सकती है, और ये फिज़िकल जर्नी बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आपके लिए लेके आए, या फिर ये मेटाफोरिकल जर्नी भी हो सकती है कि लाइफ में कोई नई साइकिल शुरू हो रही है, नई जर्नी शुरू हो रही है, बट कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट लेके आएगी जो चीज़. उसके बाद हमारे पास है एंजल, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी. आपको देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ हार्डशिप्स हैं, आपने पिछले कुछ सालों में एक्सपीरियंस किया, पिछले कुछ महीनों में एक्सपीरियंस किया है, तो बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन आप इतना तो समझ जाइए कि कई बार जो हार्डशिप्स आती हैं वो हमें लेसन्स सिखाने के लिए आती हैं, और कई बार लेसन्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं.
और जैसे ही आप लेसन लर्न करोगे ना, आप लाइफ की अपनी उस परेशानी से निकल भी जाओगे। सच में ऐसा होता है, मैंने अपनी लाइफ में ये 3-4 बार एक्सपीरियंस किया है कि मैं बहुत ही सालों से, महीनों से किसी साइकिल में हूँ और मैं उस साइकिल से बस इसीलिए नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि उस साइकिल में एक लेसन है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और अभी मेरा कुछ दिनों पहले का ही एक्सपीरियंस है कि मैं एक जगह पे स्टक थी, बहुत ही ज़्यादा स्टक थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में मैं उस चीज़ से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ, निकल क्यों नहीं पा रही हूँ, यूनिवर्स मेरा लेसन क्या है। और जब बहुत ज़्यादा हो गया तो आई लिटरली प्लीडेड टू यूनिवर्स कि मेरा क्या लेसन है, प्लीज़ टेल मी सो दैट मैं उसको, उस चीज़ को समझ के साइकिल से निकलूँ। तो जो लेसन था वो बहुत ही सिंपल लेसन था, वो लेसन था सेल्फ वर्थ का लेसन था। मुझे लगता था कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे लगता था मुझ में सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता था कि मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। बट एक्चुअली उस साइकिल के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी कहीं पे रहने के लिए, मैं अपने आप को लिटरली कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। और जिस दिन मुझे ये एपिफनी हुई कि ये मेरा लेसन है कि मैं खुद को इतना कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर, मैं खुद को क्यों इतना हर्ट करवा रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे कुछ लोगों के साथ रहना है या फिर उस किसी ग्रुप में रहना है, तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ। बट बिकॉज आई फील लाइक आई एम अ नाइस पर्सन, तो मुझे सबको अपने ऊपर रखना है। ये भी आपका लेसन हो सकता है, यू नीड टू रिमेंबर कि इफ़ यू आर समवन जो हर किसी को अपने ऊपर रखता है, किसी ने कुछ बोला करने के लिए आप तुरंत पहुंच गए करने के लिए, आपको हर्ट हो रहा है किसी के कुछ बिहेवियर से पर आप उसको बोल नहीं पा रहे हो कि आप जो कर रहे हो उससे मुझे हर्ट हो रहा है। तो ऐसे सब कुछ लाइफ लेसन्स होते हैं। आपकी लाइफ में भी कोई डिफ़िकल्ट लेसन्स चल रहे होंगे कुछ सालों से, कुछ महीनों से, बट डिफ़िकल्ट चीज़ें हुई होंगी, आप हर्ट हुए होंगे, आप तकलीफ़ में होंगे, आपको पेन मिला होगा। ये जो भी लेसन आप लर्न कर रहे हैं, एक चीज़ उसमें आप याद रखिए कि आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड हर एक सेकंड आपके साथ में हैं। किसी भी तकलीफ़ से आप गुजर रहे हो वो हर एक सेकंड आपके साथ में हैं और वो कॉन्स्टेंटली आपको साइन दे रहे हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और कहाँ सही जा रहे हो। आप कोशिश करिए उस साइन को समझने की, उस चीज़ को समझने की, बिकॉज़ यहाँ पे आपके गार्जियन एंजल्स की या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो उनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी लाइफ में। एक दूसरा कार्ड हमें यहाँ पे दिखा कि आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और क्योंकि वर्ड आया कि गाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसे डिकोड करिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ, स्टिल मुझे बहुत समय लगा उस साइकिल को समझने का और लेसन को समझने का। तो आपको भी थोड़ा सा, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप कहीं पे फंसे हुए हो, अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में जो बहुत सालों से चली आ रही है तो कोई लेसन उसके पीछे हो सकता है जो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, बट उस पूरी चीज़ में यूनिवर्स हैं वो चीज़ को इजी बनाने के लिए और वो गाइड भी कर रहे हैं। तो मैसेजेस को थोड़ा सा यूनिवर्स के डीकोड करना सीखिए कि ओके, मैंने ये रीडिंग देखी, इस रीडिंग में मेरे रीडर ने मुझे ऐसा बोला, इस चीज़ का मीनिंग क्या है, या फिर मैंने एंजल नंबर जिस टाइम पे देखा उस टाइम पे मैं क्या सोच रही थी। मैं इस जगह पे अगर लाइफ में फंसी हुई हूँ, इस जगह में कोई अबंडेंस नहीं मिल रही है तो क्या रीज़न हो सकता है कि क्यों नहीं मिल रही है। तो आपको प्रोटेक्शन तो है, प्रेजेंस भी है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी है आपकी लाइफ में एंजल्स की। तो उस गाइडेंस को आपको समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, मैं कैरिड अवे हो गई हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे नेक्स्ट यूनिवर्स का कार्ड है फ्लावर्स, बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप जेनरस रहिए और जितना आप जेनरस रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे और काइंड रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी और सक्सेस आएगी। तो यूनिवर्स हमें क्या बता रहे हैं कि हमें काइंड रहना है, कंपैशनेट रहना है, शायद हमें चैरिटी करनी है, थोड़ी बहुत लोगों की हेल्प करनी है, शायद हमें एनिमल्स की हेल्प करनी है। तो अभी जेनरस रहना, काइंड रहना और कंपैशनेट रहना, ये सब चीज़ें वहाँ करना इम्पॉर्टेंट है जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, तो अभी अगर आपके पास पैसों का अबंडेंस है तो किसी की हेल्प करिए जिसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर अगर आप उस पर्सन को पैसे नहीं दे रहे हैं तो उसे दो दो वक्त का खाना खिला दीजिए। आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में प्यार नहीं है, उसको दो शब्द प्यार के बोल दीजिए,
आपको लगता है कि कोई आपकी लाइफ में जैसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसकी मदद कर दीजिए। ये सब चीज़ें वहाँ करिए जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। और मैं हर बार ये डायलॉग मारती हूँ कि प्यार, अपना प्यार ज़बरदस्ती किसी पे थोपिए मत, जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे दीजिए। बिकॉज अगर आपको चैरिटी करनी है, आपको जेनरस रहना है, या फिर आप अगर ये डेफिनेशन हमेशा बोलते हो मैं तो हमेशा मैंने तो हमेशा दुनिया का अच्छा किया है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपने वहाँ पे अच्छा किया है जहाँ पे आपकी अच्छाई की कोई कदर नहीं है, राइट? तो अच्छाई वहाँ पे करिए जहाँ पे लोग डेस्परेटली उस अच्छाई को चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हो। किसी ने अगर 4 टाइम से खाना नहीं खाया है, उसको आप अच्छा खाना खिला दोगे तो इससे बड़ा पुण्य का काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। रैदर देन आप उस इंसान को खाना खिलाओ जिसको 50 और लोग खाना खिला रहे हैं। गेटिंग मी? सो यस, बी जेनरस। अब कुछ और कार्ड्स लेंगे, यूनिवर्स के और कुछ मैसेजेस लेंगे। ओके, ओके, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर्स। सो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कार्ड देखा था जहाँ पे हमने देखा था कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आप सक्सेस की तरफ भी चल रहे हो, बट क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा है, ओके? और थोड़ा सा कोल्ड वेदर, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, बट यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें ये कार्ड दे दिया, स्टेपिंग इनटू पावर। और ये कार्ड आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितना अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो ना कि मैं अकेली हूँ या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट है आगे बढ़ना, आप इतने कमज़ोर नहीं हो जितना आप खुद को समझ रहे हो, ओके? अपने पावर में स्टैंड करो, अपने पावर को समझो। आप नाजुक नहीं हो, आप फ्रजाइल नहीं हो, आप बेचारे नहीं हो, ओके? आप बेचारे नहीं हो, आप यूनिवर्स के अंश हो, आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आप में बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये जो रास्ता जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, इस रास्ते में पूरे पावर के साथ आगे बढ़िए, अपने पावर को पहचानिए और एक वैसे इंसान बनिए जो लोगों को भी रास्ता दिखाए, तो अपने पावर को आप रियलाइज़ कर लेंगे तो लोगों को भी रास्ता दिखाएंगे। ये पर्सन आंधी तूफान में लोगों को, अपने इसके पीछे लोग चल रहे हैं, लोगों को भी रास्ता दिखा रहा है। तो पावर आप समझ रहे हो इस इंसान का, तो यूनिवर्स आपको ये याद दिलाना चाहते हैं, पहली बात कि आप बेचारे नहीं हो, आप तो वो इंसान हो जो अपने पावर में आ जाए तो खुद तो आंधी तूफान को झेल ही लेगा, ये और लोगों को भी रास्ता दिखाएगा कि कैसे इस आंधी तूफान से निकलना है। तो यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव ये है, अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर रहे हो तो, कि मैं तो आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ कि आप लोगों को रास्ता दिखाओ, बट ये क्या हो रहा है कि आप खुद ही अपने आप को एक सिंपल रास्ते में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप खुद ही इतना कमज़ोर फील कर रहे हो। आप तो लीडर बनने के लिए आए हो, आप बेचारे बनने के लिए तो बिल्कुल भी हो ही नहीं, ओके? तो डू रिमेंबर दिस। उसके बाद वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2-3 बार से आपके लिए आ रहा है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप ट्रांसफॉर्मेशन के 3rd स्टेज पे हो जहाँ पे आप ब्लेसिंग्स आएंगी और जो वॉइड है वो ख़त्म होगा। और आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ये भी बताते हैं कि आपकी खुद की भी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आपकी खुद की भी सोच चेंज हो रही है और चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो रही हैं हेड टू टो। उसके बाद है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में सक्सेस बढ़ रही है, ओके? सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग सैजिटेरियस। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं रियली एम्फसाइज कर रही हूँ कि अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट करिए। इसका रीज़न ये है कि मैंने ये चैनल इस पर्पस से शुरू किया था कि मैं गाइडेंस दूंगी, मैं यूनिवर्स का रास्ता आप सबको दिखाऊंगी। बट मैंने लव रीडिंग्स जब से करना स्टार्ट की है, मैक्सिमम ऑडियंस लव रीडिंग ही देख रही है और जो मेरे फेवरेट वीडियोस हैं वो कम लोग देख रहे हैं। बट अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को पुश करोगे तो शायद हमें राइट ऑडियंस मिल जाए, जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू सो या टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।